कोई भी केक वगैरह बनाना होता है, केक वगैरह, तो उसके लिए सबसे पहले अपन को ओवन को सेट करना होता है। तो ओवन जब भी अपने में होता है उसमें तीन चीज़ें होती है, टेम्परेचर, फंक्शन और टाइमर। किसी भी ओवन में साइड में तीन बटन तो देख ही रहे होते हैं। तो टेम्परेचर, जैसे कि आपको कभी भी केक बनाना हो तो टेम्परेचर आपका हमेशा 180 डिग्री पे रहता है, और अगर आपको खारी वगैरह बनानी हो, खारी या पिज्ज़ा वगैरह, तो 200 डिग्री तक तो टेम्परेचर रखना 200 में। फंक्शन में ऊपर नीचे, मतलब कहाँ से आपको पकाना है, एक ऊपर और नीचे का उसके लिए केक के लिए होता है, और सॉरी ऊपर और नीचे का जो है वो पिज्ज़ा के लिए होता है, और जो नीचे वाली लाइन होती है पानी वाली वो अपन केक के लिए रखते हैं, मतलब उस पर अपन इसको सेट कर देंगे और उसको 180 डिग्री पे सेट कर देंगे, ठीक है। तो जो केक हमेशा नीचे से पकता है ना, ऊपर और नीचे से तो पिज्ज़ा पकता है, तो वो उसके लिए केक हमेशा नीचे से पकता है, तो अपन ने केक में रख दिया। और केक को अपन 30 मिनट्स के लिए पकाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन अब अपने बटर को इसमें रखेंगे ओवन में। देखिए गाइस, मेरा ओवन अभी तक चालू है एंड ये 30 मिनट से 10 मिनट पे आ चुका है, मतलब ये ऑटोमेटिकली ये टाइम कम होगा और ये टाइमर पे स्टॉप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, एक बेल बजेगी। ये मेरा केक अभी पक रहा है अंदर, ये देखिए 30 मिनट्स हो गए हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, मैं भी ट्राई कर रहा था। मैं अब देखते हैं ओवन में अपना खाना बना क्यों बना, मुझे तो पकड़ने तक नहीं आता इससे। और ये मेरा ब्राउनी केक तैयार है, ये देखो कितना स्पंजी है गाइस। तो आप अपना ब्राउनी केक देख लीजिए, कितना प्यारा ब्राउनी केक बनाए ओवन में, ये देखिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।